मेराकी संस्था की टीम ने आज कदमा थाना प्रभारी से मुलाकात कर रामनगर की रहने वाली लापता बच्ची रोशनी को जल्द से जल्द खोज निकालने की मांग उठाई। बताते चलें कि थाना प्रभारी से मिलने मेराकी संस्था के तमाम सदस्य और लापता बच्चे के माता पिता भी मौजूद थे। वहीं जल्द से जल्द बच्ची को खोज निकालने की मांग इनके द्वारा उठाई गई। बताते चलें कि कदमा थाना के पुलिस के द्वारा बच्ची का खोजबीन किया जा रहा है ताकि बच्ची का पता चल सके। वहीं मेराकी संस्था के सचिव रीता पात्रों का कहना है कि पिछले 12 दिनों से रोशनी कुमारी लापता है और बच्ची का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है, इसलिए मेराकी संस्था की टीम कदमा थाना प्रभारी से मिलने आई है और जल्द से जल्द बच्ची के खोजबीन की मांग कर रही है। रहने वाले मुकदमा रामनगर के रहने वाले, रोड नंबर 3 क्वार्टर नंबर 24। हमारा नाम लाल बाबू मिश्रा है। बेटी का नाम क्या? रोशनी कुमारी। किस स्कूल में? DVMS लेलीपुर BH एरिया 7 नंबर रोड। क्या मामला क्या है? मामला कुछ नहीं है, दुकान भेजा गया था सामान लाने के लिए, गई सामान ला के घर में रख दिया, फिर तो सटली तुरंत निकल के गई, फिर वापस नहीं आई। कब का घटना है? वो 12 तारीख दिन में रविवार का दिन। पड़ोस सबसे हम पूछे ताछ किए, चारों तरफ पता किए, फिर थाना का भी सहारा लिए, SP साहब के पास भी गए, लेकिन अभी तक कुछ सुराग नहीं है। उसके साथ में सहेली उली से बात की है? हाँ, सब सहेली उली के घर भी गए थे, पास किए, खड़ा उदा किए। हम लोग मेराकी संस्था से आए हैं। हमारी संस्था पूरे झारखंड पे काम करती है। रामनगर कदमा का ये केस है। रोशनी कुमारी 13 साल की एक लड़की है जो 12 सितंबर 2021 से मिसिंग है, दोपहर का 11 बजे से। उनके फादर ने हम लोगों को लिखित आवेदन दिया हमारी संस्था को, और हमारे संस्था ने इस पर अपना पहल रखा और स्थानीय थाना कदमा थाना के बड़ा बाबू से आज हम लोग मिलने आए, और 2 दिन से लगातार थाना के संपर्क में हम लोग हैं। क्षेत्र का भी दौरा किया, लड़की के दोस्त से भी हम लोगों ने बातचीत किया, मम्मी पापा से भी हर संभव हम लोगों ने पूरी चीज़ को जानकारी लेने की कोशिश की, जिससे हम लोग इस नतीजे पे पहुँचे कि स्थानीय थाना बिल्कुल कोऑपरेट कर रही है। उन्होंने अपने सारे वायरलेस में सब जगह खबर करना, दूसरे जिलों में खबर करना, पुलिस के जितने भी नेटवर्किंग है, जितने सोशल मीडिया है, सब जगह थाना ने डाला है। 363 धारा के तहत थाना ने केस भी किया है। आज भी थाना हमारे साथ है और कोऑपरेट कर रही है, और हम लोगों ने ये प्रेशर क्रिएट किया स्थानीय थाना को कि थाना संवेदनशीलता दिखाते हुए इनकी बच्ची को खोजे और जल्द से जल्द इस तरह की मिसिंग केस को हम लोग निपटारा करें और बच्ची को माँ बाप के सुपुर्द करें। क्या नाम हुआ आपका? जी, मैं रीता पात्रो, मेराकी संस्था की सचिव।